प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर है ये, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर पहले दिया गया था नोट्स, अब ये दूसरे चैप्टर का नोट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्रॉपरली बात करें तो आपको तीन केमिस्ट्री पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से ये 11वां चैप्टर हो जाएगा। सर लेक्चर आपको क्लास में मिल जाएंगे, क्लास में देखना है लेक्चर्स को, ये नोट्स तो बनाना है। अगर कोई छात्र नए हैं तो बिल्कुल आप इस नोट्स को पढ़ के आप कोचिंग को विजिट कर सकते हैं। वैसे तो टाइम कम है, फिर भी अपने पास लेक्चर्स मिल जाएंगे टीचर्स के सारे, तो तैयारी हो सकती है। और जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपका ड्यूटी बन रहा है, धीरे धीरे आप रिवीजन का समय बढ़ा दीजिएगा। और शुरू से रिवीजन करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, बस इतना ही। उस पर आश्रित मत हो जाइएगा कि यही क्वेश्चन फिर आएंगे 2025 में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन देखने से आपकी थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आएगा कि लेवल क्या होता है, क्वेश्चन होते कैसे हैं, तो उसी आधार पर फिर से क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा आपको परेशान कर दे, क्योंकि थोड़ा इतना आसान होता नहीं है, लेकिन इसमें आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो काम हो जाएगा। आप क्लास टेंथ में बहुत कुछ इसमें से पढ़े थे, आइसोमेरिज्म जो भी हैं, नोमेनक्लेचर, लेकिन वहाँ से थोड़ा यहाँ टफ होगा, क्योंकि वहाँ एक बेसिक लेवल का था क्लास टेंथ में, अब थोड़ा उसका यहाँ आप अपग्रेडेड वर्जन पढ़ते हैं आप यहाँ पर। ये सर दोबारा फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा मिला लीजिएगा। सिर्फ आप रूल समझ जाएंगे तो आप किसी भी नाम को आप बता सकते हैं, कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया होगा उसका आप नाम आसानी से बता देंगे। Thank you.
Video want babu video Chai. Oh, chai.
Thank you.
तो इस तरह से चैप्टर के पूरा कंप्लीट नोट्स होते हैं। आपको देखा गया इसमें पूरा चैप्टर कवर किया गया था, उससे क्वेश्चन है जो भी पूछे गए उसको भी किया गया, आपके बुक के भी एक्सरसाइज को कवर किया गया है, प्लस आपके एमसीक्यू जो भी बोर्ड से पूछे गए हैं सब कुछ कवर किया गया। तो समझे कंप्लीट नोट्स है, आपके क्वेश्चन ऐसे छूटने वाले नहीं है और बहुत सारे आपके अभ्यास भी अच्छे से हो जाएंगे। नोट्स को पढ़िए, लेक्चर देखिए, दोबारा बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है लेकिन अच्छे मार्क्स मिलते हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से, जिसको हम बोलते हैं ये जो आपका सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इस वीडियो को नोट्स को जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।